अगर आप भी कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप एक सही स्थान है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेवल NFX में। सालों से मनुष्य एकांता की तलाश में कई समुद्री तटों की ओर खींचा चला जाता है, चाहे वो ब्राजील के अमेजन हो या फिर इबिच के समुद्री तट। यहाँ के शांत वातावरण में मनुष्य एकांत प्राप्त करता है जो विश्व के कुछ ऐसे स्थानों में प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप का भूगोल। यह भारत की सबसे बड़ी अपतटीय यूनियन टेरिटरी है जो भारत के दक्षिण में और बंगाल की खाड़ी के बीच है। 8000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कई सैलानियों को अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मजबूर करता है। अंडमान और निकोबार दो अलग अलग द्वीप हैं जो एक दूसरे से केवल 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की दूरी पर है। पोर्ट ब्लेयर इन दोनों द्वीप का प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि यहाँ की राजधानी भी है। यह सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे से आप किसी अन्य परिवहन साधन द्वारा इन दोनों द्वीपों की सैर कर सकते हैं। इस सैर में सैलानी उत्तर से दक्षिण तक 800 किलोमीटर पानी के नीचे फैली पर्वत श्रृंखला देखते हैं। भारत के कुछ तटीय शहर जैसे चेन्नई, कोलकाता से यात्री समुद्री जहाज से भी पोर्ट ब्लेयर जा सकते हैं। वे आकर्षण जिन्हें आप यहां जरूर देखें। ये दोनों द्वीप अपने साफ और सुंदर समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां सैलानियों को स्कूबा डाइविंग का मौका मिलता है जिनमें वे पानी के नीचे बसे कई जीव और अन्य प्रकार के पौधों को देख सकते हैं। इसके साथ यहां और भी कई सुंदर पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देख मनुष्य का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसकी इन्हीं खूबियों के कारण इन्हें इको फ्रेंडली स्थान का दर्जा दिया गया है। अंडमान निकोबार केवल अपनी सुंदर तटीय स्कूबा डाइविंग के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि घने जंगलों में पाए जाने वाली प्रजाति के पक्षी और सुंदर फूल इसे एक उत्तम हनीमून स्थान बनाते हैं। अब तक यहाँ के घने जंगलों में लगभग 2200 प्रजाति के पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनमें 1300 प्रजातियाँ भारत में मौजूद नहीं है, जिसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप को एक अलग दर्जा दिया जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पर्यटकों के विश्राम के लिए सुंदर विश्राम कक्ष बनाए हैं ताकि वो पूरे वातावरण का आनंद भरपूर ले सकें। अंडमान निकोबार में सीप या शंख से बनी कई वस्तुएं मिलती हैं। भारत के गोपनीय स्थानों में प्रख्यात अंडमान निकोबार अपने ट्रॉपिकल वातावरण के साथ एक उत्तम पर्यटक स्थल भी है। टाइम पत्रिका अनुसार हैवलॉक द्वीप का राधानगर समुद्री तट एशिया का सबसे सुंदर तट है। इस तट की खासियत यह है कि यह साफ नीला पानी और तट के आसपास पाए जाने वाले कई सुंदर जीव भारत में नहीं पाए जाते। जॉली बॉय द्वीप अंडमान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। जॉली बॉय द्वीप के संग हैवलॉक और सिंह द्वीप मिलकर महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क का हिस्सा बनते हैं। इसे वंडोर मैरीन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह स्थान इकोजो होने के साथ प्रदूषण रहित भी है जिसके कारण इसका ट्रॉपिकल वातावरण सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इन मार्गों द्वारा आप निर्मल अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार जाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत में पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर हवाई अड्डे के लिए कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई जैसे शहरों से उड़ान भर सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के लिए चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए महीने में 2 बार और वीजांग से पोर्ट ब्लेयर 3 महीने में 1 बार MV निक की नामक समुद्री जहाज की सेवा भी उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अंडमान और निकोबार घूमकर जरूर आइए। जुड़े रहिए ट्रैवल NFX के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।